हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ सिलेबस के बारे में। जेआरएफ फिजिक्स फिजिकल साइंस हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो जेआरएफ क्या है, पहले बात तो ये है, और नेट क्या है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, नेट और जेआरएफ। नेट तो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब टीचिंग के लिए आपको ये टेस्ट क्लियर करना होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टीचिंग करनी है तो MSc प्लस में ये नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, ठीक है। JRF क्या है, पेपर एक ही होता है दोनों का, CSIR कंडक्ट करवाता है उसे, और पेपर दोनों का एक ही होता है, लेकिन कट ऑफ जो है अलग अलग जाती है। नेट की थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, ठीक है। और फिजिकल साइंस की मैं बात करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो JRF होता क्या है, JRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब ये एक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है जो CSIR देती है अगर आप PhD करते हो तो। अगर आपका ये टेस्ट क्वालिफाई है और PhD में इनरोलमेंट आपने ले लिया है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी। किसी में 32,000 है, किसी में अलग है, ठीक है। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग स्कॉलरशिप होती है, लेकिन CSIR जो है 32,000 रुपीज़ देती है, ठीक है। तो इतनी स्कॉलरशिप मिलती है अगर ये टेस्ट आपका क्वालिफाई है और PhD में इनरोलमेंट है तो। अब इस टेस्ट को क्वालिफाई कैसे करें हम, इसको टेस्ट जो है ये हर एक 6 महीने के अंदर एक बार होता है, तो साल में 2 बार ये टेस्ट होता है, तो 2 बार, एक बार जून में एक बार दिसंबर में। तो आप इसको क्वालिफाई करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो क्वालिफाई इजीली हो सकता है ये आपका। तो सिस्टमेटिक वे क्या है, मतलब इसमें टोटल जो है नंबर होते हैं, टोटल मार्क्स जो है कितने होते हैं, 200 टोटल मार्क्स हैं, 200। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो लगभग 90 से 95 के आसपास जो है आपके नंबर बनते हैं, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली JRF के लिए, ठीक है। वो कई बार थोड़ी कट ऑफ हाई चली जाती है, क्योंकि अगर पेपर इजी होता है तो थोड़ी सी हाई चली जाएगी 95 के अराउंड, बट 90 के आसपास ही कट ऑफ रहती है। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा सकती है, थोड़ी सी लो भी जा सकती है। तो ये 90 मार्क्स हमें लेके आने हैं 200 में से, ठीक है। हमें टाइम लिमिट इसमें 3 घंटे मिलेगा, 3 hours, और इसका जो सिलेबस है और पेपर जो पैटर्न है वो मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे में मैं बताऊँ भी गा यहाँ पे क्या क्या पैटर्न है इस पेपर का। देखो इस पेपर में 3 सेक्शन है हमारे पास, ABC। इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर 3.5 के, और इसके अंदर 5 मार्क के, ठीक है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 20, जिसमें से हमें 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब हमें इसमें थोड़ी सी छूट भी मिलती है कि भाई इतने ही कर रहे हो आप, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 20 में से 15 करने, कोई भी 15 आप कर सकते हैं। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कभी ये रहेगी कि भाई हम तो सारे के सारे कर आए और कुछ गलत हो गए तो कोई बात नहीं, 15 ही चलेंगे। सिर्फ वो 15 ही चेक करेंगे, शुरू के 15 चेक कर लेंगे अगर आपने सारे के सारे कर दिए तो। अब ये है 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये कितने हैं टोटल, टोटल है 25 क्वेश्चन ये, जिसमें से हमें करने हैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमें, ठीक है। ये टोटल मार्क्स कितने होंगे, 30 मार्क्स हो गए टोटल इसके, और ये कितने हो गए टोटल मार्क्स, कितने होंगे हमारे 70 मार्क्स टोटल, ये हो गए 100 मार्क्स। इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो 100 नंबर ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन आप ठीक कर पाओ, है ना। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है आपके मार्क्स इजीली बनाते हैं अगर 4-5 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिए हैं तो, ठीक है। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है टोटल क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, जिसमें से हमें करने होते हैं 20 क्वेश्चन, टोटल हो गए ये 100 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स के हो गए ये 70 मार्क्स और ये 30 मार्क्स। अब बात आती है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। इन दोनों का सिलेबस आपको गिवन है, इसके अंदर जो है फिजिक्स ही आती है और इसके अंदर भी फिजिक्स आती है, और बच गया इसमें, इसमें आता है जर्नल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड।
मतलब जो नॉर्मल मैथ है 10th लेवल का वो मैथ आता है। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है जनरल एप्टीट्यूड, इसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं, 30 नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखना है बच्चे जो है इन दोनों पे फोकस करते हैं भाई, इनमें नंबर लेना जो है मुश्किल काम होता है क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ आते हैं और ऊपर से लेंथी भी आते हैं। जो पेपर आता है आपका ऑफलाइन पेपर होता है, उसके अंदर दो या तीन पेज आपको रफ काम के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेंसिल लेके जानी है, वहाँ पे पेंसिल से आपको रफ काम करना है, उसको इरेज करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़े बड़े होंगे। ये मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए इन इनको क्लियर करने के लिए, इन दोनों पार्ट्स को आपको क्लियर करने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने चाहिए वो धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे सब। मेन हमें फोकस करना है इस पे, जनरल एप्टीट्यूड के जो 30 मार्क्स है ये हमें किसी भी हालत के अंदर नहीं छोड़ने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं ये। अगर आप एसएससी या फिर कोई भी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होते थे तो इसमें आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल मैथ जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 30 मार्क्स इसमें आप इजीली ले सकते हैं। तो 30 नंबर तो ये हो गए हमारे, बच के हमारे टोटल 90 लेने हैं, तो 60 नंबर यहाँ से लेने हैं हमें, 60 या 70 ले लो आप। जितनी ज़्यादा नंबर लोगे उतनी बढ़िया रैंक आएगी आपकी, है ना। तो रैंक बढ़िया आएगी तो बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। तो अच्छी रैंक लाने के लिए अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम 100 या 110 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं तो आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। तो इसमें से टोटल ये टोटल मार्क्स हो गए 170, इसमें से आपको 80 या 90 नंबर आपको स्कोर करने हैं, बच गए 30 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो 80-90 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको इसमें पढ़ने चाहिए। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके, जो भी आपने एमएससी में पढ़ा हुआ है वो सारे सब्जेक्ट हैं, एक्सेप्ट कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स अगर आपने किया है तो उसको छोड़ करके आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब इसमें पूछी जाती हैं। जो बढ़िया यूनिवर्सिटी से जिसने एमएससी की है तो उनको तो आसानी होगी इस पेपर में क्योंकि उनने सब न्यूमेरिकल ये कर रखे होते हैं। तो देखो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक तो जनरल एप्टीट्यूड ही है ना, 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। फिर है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के 3 हिस्से हैं, क्लासिकल है, क्वांटम है, स्टेटिस्टिकल है, थर्मल एंड स्टेटिस्टिकल, थर्मल एंड स्टेट, ठीक है। फिफ्थ सॉलिड स्टेट, एटॉमिक एंड मोलिकुलर, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक्स EMT, इलेक्ट्रॉनिक्स EMT एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। ये टोटल हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का आपको पता लग गया कि भाई 30 नंबर इसमें से आ सकते हैं, आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, 30 नंबर आपके आ सकते हैं, श्योर आ सकते हैं 30 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पूरे नंबर ले सकते हैं। अब बच गए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए अच्छे से, अच्छे से मेरा मतलब है कि हर एक टॉपिक उसका क्लियर करना है, और जो सब्जेक्ट नहीं कम पढ़ने चाहिए आपको वो भी मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। तो आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ने हैं सब्जेक्ट वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर EMT, मैथमेटिकल फिजिक्स। ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, इनमें आपको पूरे पूरे ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में है लैग्रेंजियन है, हैमिल्टोनियन है, पॉइजन ब्रैकेट है ना। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको अच्छे से आने चाहिए, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3.5 नंबर में भी आएगा, दोनों में से पार्ट में से इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, अगर जिसका मैथ अच्छा है तो वो क्वेश्चन ये कर सकता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप इजीली कर पाओगे उसको। EMT के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली कर पाओगे इसके अंदर भी। फॉर्मूले तो सभी को आपको याद करने ही करने हैं,
प्लस में कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह है, फ्रेशनल इक्वेशन है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, तो वो आपको क्लियर करने हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल दोनों है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आपको गेलमैन जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के क्वांटम नंबर्स जो है आपको याद होने चाहिए, बैरियर नंबर, स्ट्रेंजनेस, चार्ज कितना है, I3 कितना है, आइसोस्पिन कितना है, सब आपको याद होने चाहिए वो सब। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, 3.5 का भी आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है बहुत ही इजीली, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम, ये थोड़े से इजी सब्जेक्ट हैं। इजी सब्जेक्ट मीन्स ये थोड़े मैथमेटिकल ज़्यादा हैं, मतलब अगर आपको मेथड पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेंथी क्वेश्चन होते हैं इनके, क्वांटम मैकेनिक्स के तो काफ़ी लेंथी होते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं अगर मेथड आपको आता है तो। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर और है, सेल मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, सेल मॉडल में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, तो ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके इसमें। तो न्यूक्लियर फिजिक्स आपको करनी है, EMT करनी है, मैथमेटिकल फिजिक्स करना है, क्वांटम मैकेनिक्स करनी है, क्लासिकल मैकेनिक्स करनी है, ये 5 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से करने हैं, प्लस में जनरल एप्टीट्यूड करना है। अगर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है तो ये सब्जेक्ट आप कर लेना अच्छे से, टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा आपका। बच गया, अगर आपको अच्छे से नंबर स्कोर करने हैं तो कुछ एक टॉपिक जो है इनमें से भी करने पड़ेंगे आपको। अगर आप कर सकते हैं तो आप इजीली है, बढ़िया है आपके लिए भाई, बढ़िया नंबर आएंगे तो बढ़िया रैंक आएगी तो बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो आपने PhD में इनरोलमेंट ले लिया, आपका इंटरव्यू और होगा, इंटरव्यू मेन होगा उस केस में। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता है तो आप नहीं कर पाएंगे PhD में इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा आपका, तो इंटरव्यू भी क्लियर करना ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक्स भी आने चाहिए, ये जो सब्जेक्ट हैं वही इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो थर्मल और स्टेट के अंदर जो है, जैसे पोटेंशियल है स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, पोटेंशियल है, मैक्सवेल रिलेशंस हैं, वो एनसेम्बल है, कैनोनिकल एनसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें बनती हैं। एनर्जी लेवल्स, पार्टीशन फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें वो इसके अंदर आती हैं, स्टेट के अंदर आप कर सकते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन वगैरह है, और लास्ट में है फिर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। थर्मल के अंदर पोटेंशियल वगैरह हो गए, है ना, जो भी आपने BSc में पढ़ी थी थर्मल, वही थर्मल है। स्टेट जो है आपने MSc में पढ़ी होगी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ एक ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ना है और यूनिट सेल पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितने एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आते हैं, किस BCC के अंदर, FCC के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा बाद में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वाइज हम धीरे धीरे पूरे क्लियर करेंगे इनको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आसानी पड़ती है, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं, गेट्स वगैरह है ना, उसको क्वेश्चन करने में आपको आसानी भी होगी और आप कर भी पाएंगे उसको, इजीली कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो। ट्रांजिस्टर हो गया, जो भी आपने 12th में या फिर BSc में या फिर MSc में जो भी आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब आएगा। सिलेबस आपको देखना है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप इसको सिलेबस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक मेथड वाइज आपको इसको फॉलो करोगे पूरे सिलेबस को, तो क्वालिफाई कर पाओगे आप टेस्ट को, इजीली कर पाओगे। ये नहीं है कि भाई 200 नंबर है तो 200 में से मैं 150 लूँगा, बहुत मुश्किल काम है 150 नंबर लाना। तो आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी है, तो कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर दे है, तभी आपका टेस्ट क्वालिफाई हो सकता है। तो धीरे धीरे मैं शुरुआत करूँगा, पहले से मैं क्वांटम मैकेनिक्स से शुरुआत करूंगा धीरे से, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स हम करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट बनता है, उसको भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट जो है करेंगे। तो आई होप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया है सिलेबस के बारे में और पेपर के स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे हम पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन काम है जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल फिजिक्स, EMT, न्यूक्लियर
एंड क्वांटम और क्लासिकल, ये सब्जेक्ट जो हैं अच्छे से क्लियर करने हैं और एन के जो क्वेश्चन हैं हमें ट्राई करने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बुक आप ले सकते हैं। धीरे धीरे मैं बुक्स भी आपको सारी बता दूंगा कौन कौन सी बुक आपको लेनी है, या फिर लाइब्रेरी में भी आप पढ़ सकते हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी जो भी है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स।